तो अभी जस्ट कुछ महीने पहले की बात है कि स्टूडेंट ने मुझको इंस्टाग्राम पर टैग किया और उस इंस्टाग्राम की स्टोरी में पता है क्या था, उस इंस्टाग्राम की स्टोरी में उस स्टूडेंट ने लिखा हुआ था कि आई एम गोइंग टू पेरिस फॉर इंटर्नशिप एंड आई वॉज जस्ट ब्लोन अवे कि भाई साहब क्या कर दिया इसने, क्या कर दिया। और उसने एक ऐसा रास्ता चूज़ किया जो कि ज़्यादातर बैचमेट नहीं करने वाले उसके। तो ये स्टोरी है प्रिंस की जो मुझसे कॉन्टेक्ट में आया था फोरा और वेबसाइट से थ्रू। तो 2016 में कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने टॉप 100 रैंक लाई थी मेरे अपने स्टूडेंट थे बंसल क्लासेस, और उन्होंने कुछ वेबसाइट्स बनाई थी और उन वेबसाइट्स पर मैं थोड़ा एक्टिव था, फोरा पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव था, मेरा अकाउंट भी आज शायद बहुत सारे व्यूज़ ले चुका है। मैं हालांकि बहुत इनएक्टिव हूँ कई सालों से और मैं कुछ नहीं कर रहा, बट कोरा के थ्रू और उन वेबसाइट्स के थ्रू ये कॉन्टैक्ट में आया था। तो इसी कंसिस्टेंसी को देख करके, इसकी भूख को देख करके, इसकी एनर्जी को देख करके मैंने इसे नंबर दे दिया। व्हाट्सअप का स्टूडेंट था जिसने कि अपने पास जो भी रिसोर्सेज थे उसका बहुत ज़बरदस्त यूज़ किया हुआ था। इसे रियलाइजेशन भी, इसे पता था नहीं ये ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं इकट्ठे कर सकता है। तो मैंने इसके अंदर की भूख को देखा, इसकी कंसिस्टेंसी को, इसके हार्डवर्क को देखा और इसको मैंने व्हाट्सअप पर गाइडेंस देनी शुरू कर दी, डिस्कशन करना शुरू कर दिया, डाउट्स लेने शुरू कर दिए। और ऑब्वियसली इन सब चीज़ों पर कोई भी फीस, कोई भी पैसे मैं नहीं ले रहा था, बिकॉज के जैसा समथिंग कि मैं हमेशा अच्छे स्टूडेंट्स की, हमेशा मेहनत स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहता हूँ जहाँ तक मैंने टाइम अलाउ करे, जहाँ तक मुझसे बोल सके। तो ऐसी बातचीत होते होते एक समय आया था जब इसको पता चला कि मैं लक्ष्य चंडीगढ़ में पढ़ा रहा हूँ। मैं बच्चे से लक्ष्य चंडीगढ़ आ चुका था तब तक, और लक्ष्य चंडीगढ़ से ही लगातार टॉप रैंक्स आ रही थी। और ऑब्वियसली किसी भी इंस्टीट्यूट से जब अच्छे रिजल्ट आ रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स विश करते हैं कि यार काश मैं यहाँ पढ़ रहा होता। तो वैसे उसे जब पता चला कि मैं लक्ष्य चंडीगढ़ में पढ़ा रहा हूँ तो उसने बोला कि सर क्या मैं भी वहाँ पर आ जाऊँ और आकर भी मैं वहाँ पर पढ़ाई करने लगूँ, मुझे लगता है कि आप लोगों के सपोर्ट से मेरी रैंक बहुत अच्छी बन जाएगी, सो प्लीज़ कुछ ऐसा कर दो तो मैं वहाँ पर आ जाऊँ। तो मैंने बोला ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ पर बात करता हूँ, तो क्या चाहता है, बैच में आना चाहता है, क्या करना चाहता है। उसने बोला कि सर बैच में भी करवा दो और साथ ही साथ कुछ रहने का भी करवा दो सर, बट पैसे नहीं हैं घर पर। अब ये बात थोड़ी शॉकिंग थी बिकॉज ये बात पहले ओपन नहीं हुई थी, बट फिर मैंने पूरी बातें उससे सुनी तो उसने बताया कि मुंबई के स्लम से हैं वो, हालांकि उसका बैकग्राउंड बिहार से, ओरिजिन दरभंगा के पास है, बट वो अभी मुंबई के स्लम में रह रहा है फैमिली के साथ और बड़ी मुश्किल से चीज़ें उधर बसर बड़ी मुश्किल से हो पाता है। और 11th क्लास में उसने कुछ मटेरियल लिया था, उसके बाद से पैसे इतने कमी हो नहीं पाए, वो कोई मटेरियल नहीं पाए। मैंने उसकी स्टोरी सुनी और मैं इंस्पायर्ड हुआ, मैंने अपने पैसे का हिसाब किताब किया और मैंने सोचा कि यार इसके रहने का खाने का तो मैं हिसाब किताब कर दे रहा हूँ, मैं अपने खर्चे कर दूंगा, बट बैच में खर्चे बढ़े थे, बैच में एडमिशन के खर्चे बढ़े थे। तो मैंने फिर कोशिश की, मैनेजमेंट से बात की और उनसे डिस्कशन किया कि किसी भी तरह से 100% स्कॉलरशिप दिलाते, बट किस्मत फूटी थी उस वक्त 100% स्कॉलरशिप के सारे सीट्स ऑलरेडी महीनों पहले भर चुकी थी, वो नहीं पाए थे। मैंने समझाने की कोशिश की प्रिंस को कि यार ये हो नहीं पा रहा है, मैंने बहुत कोशिश कर ली, तो बजाय सीधी वो समझता वो गुस्से में आ गया। अब जैसे इमेजिन उसके बाद क्या हुआ होगा, वो एक ऐसा समय था कि उसके कड़वे वर्ड्स, उसकी बातों को सुनते हुए, उसके मैसेजेस, उसने मैसेजेस पर कुछ ऐसी बातें लिखी जो बहुत हर्टिंग थी और मैं सच में हर्ट हो गया। यूजली मैं इतना समझता हूँ कि यार स्टूडेंट्स अपने इमोशन में बह सकते हैं और वो कुछ भी बोल सकते हैं, हमें बीइंग अ दोस्त, बीइंग अ भाई, बीइंग अ मेंटर, बीइंग अ टीचर, हमें समझना पड़ता है कि ये अपने इमोशंस की वजह से बोल रहे हैं, बट जब ये थोड़े दिन बाद समझ जाएंगे तो ये नॉर्मल हो जाएंगे। बट पता नहीं मुझे बस उसके वर्ड्स बहुत हर्ट कर गए, मैंने एक बड़ा डिसीजन ले लिया, मैंने बस उसके नंबर को ब्लॉक किया और शायद कुछ दिन बाद डिलीट भी कर दिया, मैंने पूरी तरह से उससे कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया। अब इसके बाद मेरी ज़िंदगी में एक और बड़ा मोड आया कि मैं कई सालों से कंटिन्यूसली पढ़ाई चला जा रहा था, बंसल क्लासेस से लेकर के लक्ष्य तक बहुत लंबा समय बीत चुका था एंड ऑलमोस्ट यार 7-8 साल 9 साल हो चुके थे मुझे पढ़ाते भी, और मैंने बहुत डेडिकेटली पढ़ा लिया था। मैं चाह रहा था कि एक बड़ा ब्रेक लूँ जिसमें कि कुछ महीने मैं सिर्फ और सिर्फ गाँव में जा कर के रहूँ, घर पर जा कर के रहूँ और वहाँ पर यार खेत खलियान मेरा देखूँ और वहाँ पर एक पीसफुल लाइफ बिता, मैं एक ब्रेक लूँ और उसके बाद फिर वापस पढ़ाई पढ़ाऊँ। तो मैं गांव चला गया और लेकिन एक दिन मेरे पास एक ऐसा मैसेज आया जिसने हाथों से पार्सल निकाल दिया। ये मैसेज प्रिंस का ही था जिसमें कि उसने काफ़ी सॉरी कहा, दूसरे नंबर से मैसेज किया हुआ था और उसने कहा कि धर्म जैनी सॉरी मैं ये सब कर बैठा उस वक्त और मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि सर चीज़ हो जाएंगी बट हो नहीं पाई और पता नहीं बस उसे ये सब सारी चीज़ें हो गई।
अंदर से मैं उसके मैसेज को पढ़ने की सोच रहा था कि यार कहीं ना कहीं तो मैं भी बुरा मान गया इस चीज़ का, मैं पेशेंस रख सकता था बट मुझसे वो नहीं पाया। मैं इस फीलिंग में चला गया कि मैं इस लड़के के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, इसको इतना टाइम दे रहा हूँ बट इसे समझ नहीं है। मुझे भी शांत रहना चाहिए था, मुझे इसे समझाना चाहिए था। उसने बताया कि उस साल 2018 का शायद 2018 में उसने एग्ज़ाम दिया और उसने पास भी किया, रैंक पीछे ही आई थी कुछ, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली 17,000 or 18,000 समथिंग कुछ। तो उसने बताया कि कुछ भी हो जाए वो कंप्यूटर साइंस नहीं करके रहेगा मैं, और उसके लिए वो ड्रॉप करेगा। मैंने उसकी पॉजिटिविटी देख कर बहुत इंस्पायर हुआ, मैंने सोचा कि यार मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। उस वक्त मैंने पेशेंस नहीं रखा, उस वक्त चीज़ें अकॉर्डिंगली नहीं चल पाई, बट मुझे इसके पत्नी चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने पटना गया अपने एक दोस्त के पास, इसके ऑलरेडी इनऑर्गेनिक की कोचिंग थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहाँ पढ़ाता था वो। तो मैं ज़्यादा ज़्यादा डिस्कशन किए, कई सारी चीज़ें ऐसे डिस्कस हुई कि इस तरह के बच्चों को और कैसे हेल्प कर सकते, क्योंकि वो भी दिल से काफ़ी अच्छा था मुझे। बट बात पर नजर था कि कहीं इसे बुलाना, कहीं प्रिंस को बुलाना कहीं रिस्क ही ना हो जाए, बिकॉज अगर वो मेरे भरोसे आता है और मैं उसको रिसोर्सेज नहीं दे पाता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में, अगर उसकी हेल्प नहीं हो पाती है तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वापस यहाँ पर आने से उसकी रैंक भी अगर बढ़ा जाए। भले ही उसके सारे खर्चे उठा लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मेरे भरोसे आए और चीज़ें गड़बड़ा जाए। बहुत कोशिश की मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर की, कई सारे फिजिक्स और मैथ्स के भी टीचर से बातचीत की, और लकीली वहाँ पर उसके लिए ऐसा इंतज़ाम हो पाया कि उसे फिजिक्स मैथ्स के बाद तीनों में हेल्प मिल सकी। आज वो सिचुएशन है कि मैं उसे उन स्टूडेंट्स में काउंट करता हूँ जिनके लिए मैं सबसे ज़्यादा प्राउड हूँ। आज वो IIT पटना कंप्यूटर साइंस में फाइनल ईयर में है, और मैं जैसे बताया कि मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ उसके बारे में सोच सोच करके।